हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शर्मा, आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग इंटरव्यू के क्वेश्चंस के साथ हम लोग यहां पे भिड़ने वाले हैं, यानी कि सीखने वाले हैं। आप लोग के द्वारा ही बहुत सारा क्वेश्चन मुझे मेल किया गया है, उसी में से मैं बहुत सारा क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किया हूं, और जितने भी क्वेश्चन आप लोग के मिले हैं सब पे इंटरव्यू का क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स रहेगा, कोई क्वेश्चन ईजी रहेगा, मैंने मिला जुला के मैंने कैटेगरी वाइज, जैसे सीमेंट का अगर इंटरव्यू क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ तो सिर्फ सीमेंट का ही क्वेश्चन आएगा, सीमेंट से रिलेटेड आएगा। मैं आपको रेफरेंस ही बता दूंगा कि आईएस कौन सा आईएस कोड में वो सब आपको मिलने वाला है। कॉन्क्रीट के बारे में बता रहा हूँ तो कॉन्क्रीट का आएगा। इस तरीके से मैंने कैटेगराइज किया है ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो ज्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है, जैसे सब भेज रहे हैं, आप भी भेजो इस ईमेल आईडी पर, अगर आप भेजते हो civilengineeringofficial@gmail.com पे तो मुझे मिल जाएगा। वहां से मैं छांट छांट के आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, और मैंने ऑलरेडी हजारों से ऊपर क्वेश्चंस आप लोग के लिए बना के रखे हुए हैं। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, उस प्लेलिस्ट को जाकर आप देखिए, आपको हजारों टॉपिक्स, हजारों चीज के इंटरव्यू के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सब आपको मिलते हैं, उसका आंसर मिलता है। आईएएस कोड में ले जाकर दिखाया हूं कि कहां पे कौन सा रेफरेंस के साथ आपको वो उसका जवाब मिलेगा, तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था, चलिए सबसे पहले इसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि एज पर आईएस कोड 2911 स्मॉल डायमीटर पाइल हम किसे कहते हैं, और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस थे। तो इसका करेक्ट आंसर है, जिस पाइल का डाया 600 mm के बराबर या उससे कम होगा तो उसे ही हम लोग स्मॉल डायमीटर पाइल कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डाया लेस देन और इक्वल टू 600 mm। तो जिन्होंने भी सही जवाब दिया हम लोग को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को भी पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू का सेशन लेने के बाद इस वीडियो के लास्ट में आप लोग से एक सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। जो इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, आपका ही फायदा होगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, और आप मुझे अदर प्लेटफॉर्म इंस्टा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, सभी चीज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का सबसे पहला सवाल जो आप लोग के द्वारा मुझसे पूछा गया है, हैवी ड्यूटी बर्न क्लिप रिग जो होती है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है एज पर आईएएस कोड। तो सबसे पहले ये समझिए कि हैवी ड्यूटी बर्न क्लिप रिग जो है ये कहाँ पे यूज किया जाता है। तो जितने भी ब्रिजेस वगैरह हो गए या कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, तो उन सब पर जो फाउंडेशन करते हैं, अगर लोग ब्रिक से कर रहे हैं, नट बोल्ट को फिक्स करने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग को ये वाला ब्रिक यूज करना पड़ता है। नॉर्मल जो बिल्डिंग में यूज होती है वो अब यूज करोगे तो नहीं चलेगा एज पर आईएएस कोड। ठीक है, और इसका जो कॉस्ट है ये भी ज्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग बिल्डिंग में यूज नहीं करते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है इस हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक का, तो एज पर आईएएस कोड हमारा है 2180। अगर आप जाओगे एज पर आईएएस कोड 2180, तो ये आईएएस कोड बोलता है कि आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक के लिए ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मेगापास्कल होना चाहिए। ठीक है, 40 के बराबर या उससे ज़्यादा अगर उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है ना, तभी उसको हम लोग बोलते हैं हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक। ठीक है, बहुत कोई को मेगापास्कल में कंफ्यूजन होगी, तो अगर आप न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर भी बोलते हो तो भी बात एक ही हो जाता है, ये यूनिट और ये यूनिट दोनों सेम होता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान देना है, जो ये हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक है ना, इसमें भी क्लासेस हैं, दो क्लास होता है। जैसे हम लोग कॉन्क्रीट का ग्रेड होता है M20, M30, M40 ऐसे होता है ना, M20 और M25 के बीच में M21, 22 ये सब नहीं होता है। इसी तरीके से ब्रिक में भी क्लासेस है। ठीक है, हम लोग जो फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक सब बोलते हैं ना, एक्चुअली में आईएएस कोड कभी भी नहीं बोलता है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक ऐसा, वो लोग क्लास में डिवाइड किया हुआ है। देखना, 3 क्लास 3.5 4 12.5 इस तरीके से दिया गया है, शायद आईएएस कोड है उसका 1077, शायद उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैवी ड्यूटी बर्न क्ले ब्रिक के लिए कौन सा क्लास है, एक है 40 वाला क्लास और एक है आपका 45 वाला क्लास। इसके बीच में 41 42 ये सब कुछ नहीं आता है, दो ही क्लास कवर होता है हमारा हैवी क्लास बर्न क्ले ब्रिक के अंदर में, एक 40 और एक 45। तो याद रहे, इससे कम का अगर कोई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप देख रहे हो ब्रिक में, तो वो हैवी बर्न क्ले ब्रिक नहीं है। अगर इतना के बराबर मिनिमम वो अचीव करता है तभी वो हैवी बर्न क्ले ब्रिक है। तो ये आपका आज का सवाल हुआ। ठीक है, आईएएस कोड फॉलो होता है 2180। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के द्वारा पूछा गया आपका सेकेंड सवाल है यहाँ पे, विच क्लास ऑफ ब्रिक कैन बी यूज एज अ बैलेस्ट इन फाउंडेशन और फ्लोर।
तो बैलेस्ट किसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे एग्रीगेट पत्थर की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रिक्स वाले पे बैलेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बैलेस्ट किस क्लास ऑफ ब्रिक को बोला जाता है, तो ऑलवेज इसका आंसर होता है फोर्थ क्लास को, ठीक है, फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक। जो भी फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक होगा ना, उसी को हम लोग एज अ बैलेस्ट यूज करेंगे। देखिएगा फाउंडेशन के पीछे में हम लोग कभी कभी सोलिंग करने के लिए ईटा जो होता है उसको छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ तोड़ के हम लोग बैठाते हैं ना, अपना एक लेवल करते हैं, उसके ऊपर पीसीसी करते हैं, ऐसा होता है ना, तो उसी को हम लोग कहा जा रहा है। फाउंडेशन के नीचे में लोग यूज करते हैं, या कहीं पर कुछ स्कीट वगैरह कुछ भी फ्लोरिंग वोरिंग करना है उसके नीचे में डालना है, तो भी हम लोग क्या करते हैं कि ये बैलेस्ट को यूज करते हैं। तो कौन से ग्रेड का ईटा हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक को यूज करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको फोर्थ क्लास बोला जा रहा है तो इसका स्ट्रेंथ बहुत कम है, नहीं, गलती से भी नहीं, ये गलती से ही मत सोचना कि वो ईटा एकदम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में खराब होगा, नहीं, कभी भी नहीं। इसका मतलब क्या है ना कि उसका जो नेचर है वो ज्यादा ब्रिटल है, ठीक है, ओवर बर्न्ड है, ज्यादा पक गया है, काला काला हो गया है। इसका शेप क्या है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन में अगर हम प्रॉपर शेप वाला ईटा नहीं रखेंगे तो उसका जो दीवार है वो एकदम यूनिफॉर्म नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ऐसे ईटा को हम लोग तोड़ देंगे, फेंक देंगे क्या, नहीं, उस सबको यूज किया जाता है हम लोग फाउंडेशन के नीचे में, बैलेंस के नीचे में, जहाँ पे हम लोग को एक लेयर देना है पीसीसी के नीचे में, एक लेवल फ्लैट सर्फेस तैयार करना है, चाहे फाउंडेशन के लिए हो या किसी भी चीज के लिए, तो उस जगह हम लोग यूज करते हैं ये फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक। तो जो हम लोग कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर घर में यूज नहीं कर सकते उसको कहा जाता है फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक, जो कि हमारा कोई यूज का नहीं है घर में, उसी को, ठीक है, ओवरबर्न्ड हो गया, या बोल सकते हैं इसका नेचर जो ज्यादा ब्रिटल है, मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना एक होना चाहिए, ठीक है, तो उसको कहा जाता है फोर्थ क्लास ऑफ ब्रिक। तो बैलेस्ट के लिए हम लोग कौन सा क्लास ऑफ ब्रिक यूज करते हैं, फोर्थ क्लास ब्रिक यूज करते हैं। तो आप लोग के द्वारा पूछा गया नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक, ठीक है। आप लोग को लगता है कि बहुत आसान सवाल है, बहुतों से पूछूंगा तो बहुत कोई नहीं बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि सबको ही नहीं बोल पाएंगे, लेकिन इंटरव्यू में पूछ देते हैं ये सवाल भी, तो ये सवाल जो है आप लोग के द्वारा ही दिया गया है मुझे, जरूर आपसे पूछा गया होगा तभी आप दिए हो मुझे। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक, ट्रेडिशनल ब्रिक का और एक नाम है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक, ठीक है, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। जनरली ये जो होता है रेड कलर में आप साइड पे देख ही लेते होगे, जो देखते हो ना उसी को कहा जाता है ट्रेडिशनल ब्रिक, जो रेड ब्रिक देखते हो साइड पे उसी को ट्रेडिशनल ब्रिक बोलते हैं, और उसी को नॉन मॉड्यूलर ब्रिक भी बोलते हैं। तो इसका जो साइज होता है ये होता है आपका 230 मिलीमीटर बराबर 110 मिलीमीटर गुने 70 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपको मैं समझाऊं कि ये क्या है, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, और ये आपका थिकनेस है, ठीक है। अगर मैं शेप में बना के आपको दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ब्रिक है आपका, ठीक है, ये लेंथ है आपका 230, ये है आपका यहाँ पे 110 मिलीमीटर, और ये जो थिकनेस है ये है आपका 70 मिलीमीटर, ठीक है। अब आपको बोलना है कि ये अपने मन से मैं बोल रहा हूँ क्या, जो ट्रेडिशनल ब्रिक का मैं साइज बताया आपको, अपने मन से नहीं, अपने मन से नहीं, आईएएस कोड है, कौन सा आईएएस कोड, आपको यही तो इंटरव्यू में जवाब देना है, 1077 आईएएस कोड में जाओगे तो ये आंसर आपको मिल जाता है। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का जो पूछा गया था, टॉलरेंस फॉर डायमेंशन इन ब्रिक, ठीक है। ब्रिक जो आपकी साइड पे आती है आपको कैसे पता रहेगा कि उसका में जो टॉलरेंस है, मतलब आपका मान लीजिए कोई ब्रिक होना चाहिए 200 mm का, तो उसमें जो टॉलरेंस है वो हो सकता है 205 है, 204 है, तो वो चलेगा कि नहीं एज पर आई एस कोड, ये आप कैसे समझोगे। तो इसके लिए एक आई एस कोड है 1077, ठीक है, जो ब्रिक वर्क का आई एस कोड है, इसमें जाओगे तो एक टेस्ट दिया गया है। आप एक ब्रिक को माप लोगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आईएएस कोड कहीं बोलता ही नहीं है कि एक ब्रिक से पता कर लोगे कि इतना उसका टॉलरेंस है तो आप चल जाएगा, आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला चेक क्या बोलता है, हमेशा आपको जब भी टेस्ट करना है 20 ब्रिक को लेके ही आपको टेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या बोलता है, लेंथ, हमारा टॉलरेंस कितना आएगा, लेंथ में आएगा, एक हाइट में आएगा, एक ब्रेथ में आएगा, मतलब लेंथ ब्रेथ और एक हाइट, ठीक है। अब एक चीज समझिए यहाँ पे, लेंथ ब्रेथ हाइट कौन सा है, अगर ये ब्रिक है आपका, ठीक है, तो ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये थिकनेस है इसका, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले लेंथ, तो लेंथ देखने के लिए हम लोग को सारा ब्रिक ना ऐसे रखना होगा, देखिए इस केस में आपको ब्रिक लंबा लंबा करके बैठाना पड़ेगा, ठीक है, और कितना बैठाना पड़ेगा,
ऐसे ले जाके यहाँ पे एक ब्रिक बैठा है, तो टोटल ब्रिक कितना है 20 नंबर्स। 20 ब्रिक जब बैठा दिए उसके बाद आपको टेप लेके यहाँ से लेके पूरा 20 ब्रिक जहाँ तक बैठा है होना वहाँ तक आपको देखना है मेजरमेंट, ठीक है। और ये जो लेंथ है आपका ब्रिक का, मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, ये आपका 200 mm है, ठीक है, इसका भी 200 mm हुआ, इस तरीके से इसका भी 200 200 करते करते 20 ब्रिक का अगर जोड़ोगे तो 200 × 20 कितना होता है, अगर आप 200 mm × 20 करते हो तो कितना होता है, 2 × 2 = 4 1 × 2 = 3 0, इसका मतलब 4000 मिलीमीटर, इसका मतलब ये 4 मीटर हो गया, ठीक है। तो अगर सब सही है तो मेरा 4 मीटर तक होना चाहिए था। अब ये माथा से पूरा ये माथा तक टेप से देखिए, वो 4 मीटर से ज़्यादा है या कम है, ये मिलेगा एग्जैक्ट तो मिलेगा नहीं आपको, प्रॉपर एकदम फिक्स है ये। तो कितना ज़्यादा है तो आपका वो पास हो गया सारा ब्रिक, और कितना कम है तो पास नहीं हुआ, और कितना कम है तो भी पास हो गया, ये तो जानना है ना। तो IS कोड बोल देता है 80 mm का वेरिएशन लेंथ में, मतलब ये टोटल होना चाहिए था मेरा इस एंड से लेके इस एंड तक कितना 4 मीटर, वो है आपका मान लीजिए ये 4080 mm, ठीक है, मतलब 80 मिलीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर 4050 mm होता, 4035 mm होता, ये सब चल जाएगा, ये सब पास करेगा, लेकिन जैसे ही 80 से ज़्यादा होगा ना तब नहीं चलेगा, समझ में आ गया। तो प्लस माइनस 80 mm, मतलब अगर 80 mm कम भी है तो भी चल जाएगा। तो टॉलरेंस कितना हो जाता है 20 टोटल ब्रिक में आपका प्लस माइनस 80 mm का। तो इस हिसाब से अगर आप निकाल के देखोगे तो एक ब्रिक में मेरा कितना टॉलरेंस निकल रहा है 4 mm का, ठीक है। अगर डिवाइड कर देख लेना, डिवाइड कर पता चल जाएगा आपको 4 mm का एक ब्रिक में टॉलरेंस रहेगा तो चलता है, लेकिन एक ब्रिक में ऐसा कभी मत देखिएगा, आपको 20 बैठा के ऐसे देखना पड़ता है, किसी में कम बेसी होगा, किसी में 3 होगा, किसी में 2 होगा, तो किसी में 5 होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लेंथ में यही वेरिएशन आता है आपका प्लस माइनस 80 mm का, ब्रेथ में आता है प्लस माइनस 40 mm का, और हाइट में आता है आपका प्लस माइनस 40 mm का, ठीक है। सेम कंडीशन सेम है आपका, जैसे ये लंबा लंबा करके बैठाए थे, अब आपको ब्रिक क्या करना है, ऐसे ऐसे बैठाना है, ठीक है। ये साइड आपका है वो बड़ा वाला साइड 200 mm का, ये मान लीजिए आपका 100 mm वाला है, ये 100 mm है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, 20 ईटा बैठा देना है ऐसे, और फिर इसका क्या करना है आपको यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करना है, ये 100-100 वाला जो साइड है उसको मापना है, और वो देखना है वो 40 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो एक्चुअल में होना चाहिए उससे, ठीक है, समझ में आया। जैसे 100-100 है तो 20 का कितना होगा 2000 मिलीमीटर, यानी कि 2 मीटर, तो 2040 mm मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या कम भी है तो 40 mm कम होगा, उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो फेल, समझ में आ गया। इस तरीके से आपका ब्रेथ होगा, उसी तरीके से आप हाइट में भी क्या कीजिएगा, बैठा के उसको देख लीजिएगा, समझ में आ गया। तो ये IS कोड कौन सा बोलता है 1077, आई होप आप लोग को ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, IS कोड फॉर AC ब्लॉक। AC ब्लॉक जो होती है ना, ऑटो क्लेव्ड एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक, जो हमारे साइड पे यूज़ होता है, जो लाइट वेट भी होती है, इसका हीट इंसुलेशन जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, हीट रेजिस्टेंस जो होती है वो भी अच्छी होती है, इंसुलेशन अच्छा है इसका, घर को ठंडा रखता है बाहर के टेम्परेचर से। तो ऑटो क्लेव्ड एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है इसका। तो ऑटो क्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक के डायमेंशन टॉलरेंस के लिए, या AC ब्लॉक के बारे में कुछ भी आपको जानना है, उसका हीट रेजिस्टेंस पावर कितना है, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, क्लासेस क्या क्या होते हैं, तो आपको एक ही IS कोड फॉलो करना है, 2185 का Part 3, ठीक है। IS कोड 2185, इसका आपको Part 3 देखना है, ये Part 3 ही है AC ब्लॉक के लिए, क्लियर हो गया। तो ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चंस थे, तो चलिए आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है, जिसका जवाब आपको देना है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए, इन ए मोटर बाइंडिंग मटेरियल इज, मोर्टर जो हम लोग बनाते हैं चाहे वो ब्रिकवर्क के लिए चाहे वो प्लास्टर के लिए, उसमें जो बाइंडिंग मटेरियल होती है वो कौन सी होती है, सैंड, सुर्खी, सीमेंट या वाटर। तो जिसे भी इसका जवाब पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका जवाब बता दूंगा। तो अभी मैंने आपको जो बताया इसका अगर आपको PDF डाउनलोड करना है ना, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरे वेबसाइट पर जाते हो learningtechnologyofficial.com पे, वहाँ पे इंटरव्यू बोल के टैब है, उसमें जाइएगा, आपको इंटरव्यू के बहुत सारे सवाल के PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लास्ट में यही बोलूंगा, चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के वैल्यूएबल नोट्स आपको मिलते रहते हैं इस चैनल पे। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।